दिन रात रोती रहती है, यही बोलती है कि मेरे को मेरा बच्चा दिला दो बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नौकरी भी नहीं करवाऊंगी, मैं घर पे अपने सीने से लगा कर रखूंगी, मैं कहीं नहीं भेजूंगी उसको। ਆਸਮਾਨ ਲਈ ਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਚ ਚੜੀ ਆ, ਪਾਣੀ ਲਈ ਕੌਣ ਲਈ ਆ ਸੀ? ਚਲੋ ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੋਦੇ ਸੀ, ਡਿੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਡਿੱਗੇ ਵੀ ਅਸਾਂ ਆਪਣੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਲਾਈਡ ਢੋੜੋ, ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਕਰੀਏ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਈ ਢੋ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋ ਹੋਇਆ ਸਲਾਈਡ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਢੋ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਇੰਨਾ ਆ। ਆਪਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਹਮਾਰਾ ਭਾਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਤ ਤੋਂ ਛੋੜੋ, ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਛੋੜੋ, ਉਹਨੇ ਬਾਤ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਗਈ, ਵਹਾਂ ਪੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹਮ ਪੇ। ਕਿਆ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼? हमें तो ये बोला गया कि सीईओ की ये वर्डिंग थी कि अगर आप कुछ बोलोगे ये वगैरह, आप सीबीआई की इंक्वायरी बिठवाओगे, डिमांड करोगे, आपके बेनिफिट्स काट लिए जाएंगे, जो नेवी देगी आपको बेनिफिट्स वो नहीं मिलेंगे फिर आपको। जो लोग पावर में हैं आप उनके किसी के पास गए हो? सर सबसे रिक्वेस्ट की है हमने, कहा कि जा रहे हैं जिस जगह भी कोई बताता है जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, कहीं तो कहीं हमारी सुनाई हो ना। कहते क्या है, गिर गया, एक्सीडेंट था। सीओ साहब तो अब तो वो तो बोलते हैं कि मैं तो बाहर हो गया हूँ अब इससे, जो बोलेगा बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बोलेगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आपके एमपी युगल किशोर जी भी शायद, उनका एक रैली थी वहाँ पे, कहीं रैली थी वहाँ शायद मढ़ में, अब पास ही में थी रैली, कितना ही किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 3-4, वहाँ से होके चले गए, घर पर कोई नहीं आया। जैसे अभिनंदन एक सैनिक है, वैसे साहिल वर्मा भी एक सैनिक है, जैसे एक्शन उनके टाइम पे लिए गए ऐसे हम चाहते हैं ऐसे आज भी हो। जम्मू में कोई एफआईआर लॉन्च हुआ है? बेटा मिसिंग है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोशिश की आपने? बिल्कुल की कोशिश। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आज हम कांग्रेस के सीनियर नेता रमन बल्ला के घर आए थे कि उनका एक इंटरव्यू इस पर किया जाए कि कांग्रेस ने अभी तक अपने कैंडिडेट अनाउंस नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ आकर हमें इंतज़ार करना पड़ा और यहाँ आकर पता चला कि कुछ लोग रमन बल्ला के पास आए हैं। आपको याद होगा गो मनासा को केस जो सबसे पहले हमने कवर किया था, जिसमें एक नौसेना का जवान साहिल वर्मा मिसिंग हो गए थे। आज 20-22-23 दिन हो गए हैं, वो माँ अभी भी तड़प रही है, दर दर भटक रहा वो परिवार, आज एक उम्मीद लेकर रमन बल्ला के पास आया है, इसलिए शायद आज हमें इंतज़ार भी करना पड़ा। आपको तकलीफ़ हुई, आपको इंतज़ार करना पड़ा, क्योंकि एक ऐसा परिवार था जिनका बेटा फौज में नेवी में काम करता था और काफ़ी 22 दिन से ज़्यादा वो मिसिंग था, तो अगर पहले पता होता तो आप बंदोबस्त करते आपका, और लेकिन मुझे पता मैं अचानक आ गया और इस परिवार का कि इशू को हाईलाइट करें, प्रोजेक्ट करें, क्योंकि आज जज का बेटा लापता हो तो परिवार पे क्या गुजरती है, ना वो आराम से सो सकते हैं, ना जाग सकते हैं, ना खाना खा सकते हैं, उनका ध्यान उस बच्चे की तरफ है, वो बड़ा ब्रिलियंट बच्चा था और हम इन परिवार के साथ काफ़ी दिन पहले जैसे इशू आप ही ने हाईलाइट शायद किया था और लोगों तक ये जानकारी हासिल हुई कि कहीं ना कहीं जम्मू का बच्चा 19 साल उम्र थी शायद उसकी साहिल वर्मा की, वो अब ड्यूटी पर गया था लेकिन ड्यूटी से गायब है, तो जांच का विषय तो बनता है। हम तो इस वक्त जो परिवार हर घर में अप्रोच कर रहा है कि कोई ना कोई इनका साथ सहारा बने, उच्च अधिकारी का तक वो बात पहुंचाए, लोकल डीजी से भी हमने बात की थी, उन्होंने कुछ आदमी को डिप्यूट किया, लेकिन डिले कहाँ पे है, एडमिनिस्ट्रेशन को टोन अप करने की ज़रूरत है। हमने SSP से भी अभी बात की कि फौरी तौर पर उन्हें बुलाया भी है कि मिलजुल के इस परिवार का बेटा इनके हवाले किया जाए। एक्चुअली हम भी शायद इस केस को भूल गए थे, 2-3 रिपोर्ट्स की, उसके बाद ये लोग मुंबई चले गए, अब मुंबई से वापस आए हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं है, इसलिए हर उस सियासतदान के पास जा रहे हैं जिनसे इनको उम्मीद है। सर आप उनके भाई साहब हैं जी, क्या अपडेट है अभी तक? अभी कोई अपडेट नहीं है, वही जो घर पे बताया जा रहा था कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ जाके भी यही इन्फॉर्मेशन दी गई कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, हम ढूंढ रहे हैं बस, 22 दिन से यही सर्च ऑपरेशन का टैग लगा दिया है बस। कुछ और बात हुई उनसे कि क्या वो कहते हैं कि आपने सवाल पूछे कि है भी है हमारा भाई या नहीं? बात तो छोड़, सवाल तो छोड़ो, उन्होंने बात तक नहीं करनी की वहाँ पे, प्रेशराइज़ किया गया हम पे। क्या प्रेशराइज़? हमें तो ये बोला गया कि सीईओ की ये वर्डिंग थी कि अगर आप कुछ बोलोगे ये वगैरह, आप सीबीआई की इंक्वायरी बिठवाओगे, डिमांड करोगे, आपके बेनिफिट्स काट लिए जाएंगे, जो नेवी देगी आपको बेनिफिट्स वो नहीं मिलेंगे फिर आपको, अगर आप ज़्यादा ये हल्ला बोला वो कहते हैं हल्ला, भूल जाओ इसको बस जी, बस उनका यही है।
माँ की क्या हालत है उस वक्त, तुम जब मुझे गया था उनकी बड़ी बुरी हालत थी, आज भी वैसे ही है? आज आज तो उससे भी ज़्यादा बुरी हालत है, मुझे दिन दिन और मुश्किल होती जा रही है उन्हें संभालना में, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा मैं क्या बोलूँ उन्हें। वो कहते हैं क्या गिर गया, एक्सीडेंट था? सीओ साहब तो अब तो वो तो बोलते हैं कि मैं तो बाहर हो गया हूँ अब इससे, जो बोलेगा बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बोलेगा, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, अब उनकी ये वर्डिंग है उनके सीओ की। मुंबई जाके कुछ हासिल नहीं हुआ, कुछ जानकारी? कुछ नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। ये उनके पिता हैं साहिल वर्मा के पिता, 19 साल उसकी उम्र थी, 2022 का बैच था, नौसेना का जवान साहिल वर्मा रहस्यमय परिस्थितियों में गायब हो गया। और ये सवाल उस माँ को सारी उम्र सताता रहेगा जब तक वो जिंदा रहेगी कि मेरा बेटा कहाँ है। कुछ क्या आप करके क्या हालात है? बहुत मुश्किल है सर, मेरे को तो संभालना नहीं जा रहा, उनको दिन रात रोती रहती है, यही बोलती है कि मेरे को मेरा बच्चा दिला दो बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं नौकरी भी नहीं करवाऊंगी, मैं घर पे अपने सीने से लगा कर रखूँ, मैं कहीं नहीं भेजूंगी उसको। अब मुझे एक चीज समझ नहीं आई, मैं सवाल पूछ लेता हूँ, आप रमन बल्ला पास क्यों आए हो? ये तो पावर में है ही नहीं, जो लोग पावर में है आप उनके किसी के पास गए हो? सर सबसे रिक्वेस्ट की है हमने, कहा कि जा रहे हैं जिस जगह भी कोई बताता है जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, कहीं तो कहीं हमारी सुनाई हो ना। कोई सियासतदान, कोई ब्यूरोक्रेट, एडमिनिस्ट्रेशन से घर आया? कोई कोई नहीं आया सर, कोई घर नहीं आया? नहीं सर। लेकिन अभी लोकसभा के चुनाव, ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, मुझे लगता है कि आपके एमपी युगल किशोर जी भी शायद, उनका एक रैली थी वहाँ पे, कहीं रैली थी वहाँ शर्मड़ में? जी जी थी रैली वहाँ पे, कल थी शायद से। कल थी? नहीं यार, हाँ घर के पास से, मतलब अब पास ही में थी रैली, कितना ही किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, 3-4, वहाँ से होके चले गए, घर पर कोई नहीं आया। वहाँ पे ज़्यादा बिजी होंगे शायद, वहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होगा, ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होगा ना, इसलिए नहीं आया शायद। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आम आदमी नहीं था वो, जवान था, नौसेना का जवान था। जवान का ध्यान में रखते हुए मूला राम जी और हम सब इनके परिवार के साथ गए थे, आंसू भी पूछ सकते थे इनके, इनके दुख दर्द बांट सकते थे कि इनका बेटा इनके पास आ जाए, कोशिश की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डीजी से भी रब्ता करने के, लेकिन उसका फॉलोअप आगे फर्दर नहीं हो पाया। और आज भी दोबारा ये साथी आए हैं, हमने एसएसपी से बात भी की। सर किस तरह से इनकी हेल्प करोगे? मैं समझ सकता हूँ कि ये आपके पास कोई उम्मीद लेके आए होंगे, और मैं असमंजस में हूँ आपके पास क्यों आए हैं फिर भी उम्मीद लेकर आए हैं। बात को ऊपर तक पहुँचाएंगे, हम गुहार लगाएंगे LG एडमिनिस्ट्रेशन साहब को भी कि अपने एडमिनिस्ट्रेशन के गुड ऑफिसर्स को इस्तेमाल करें कोई भी यहाँ पे हो, ताकि इस परिवार को लगे कोई सारा कोई ना कोई है इनकी बात रखने वाला, कि इनका बेटा इनके पास आए। हमारा एक ही लक्ष्य है कि बेटा एक डिफेंस का था और हमारे देश का एक नौजवान था, परिवार को अपने परिवार के साथ बेटा का है। एक सटीक जवाब मिल जाए बस। हाँ बस यही, परिवार परेशान है इस दुख की घड़ी में, हम इन परिवार के साथ खड़े हैं यहाँ पे। यहाँ पे जम्मू में कोई FIR लॉन्च हुआ है बेटा मिसिंग है? नहीं बिल्कुल नहीं। कोशिश की आपने? बिल्कुल की कोशिश, पुलिस आई थी घर पे, पर वो बोलते हैं हम मिसिंग वहाँ पे है तो वहाँ पे होगी, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। मतलब साहब इस बारे में कोई बात की आपने किसी से? मैंने कस्टर्ड SSP से बात की, मैंने अनंत जैन साहब से बात की, जिस दिन हम इनके घर में गए थे उसी वक्त उस दिन फ़ोन करके, उस दिन DSP आया था इनके घर में, लेकिन उसके बाद वो जो फॉलोअप जो इनको, इनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना चाहिए था कि हमारे कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई प्रस्यू यहाँ पे करा है, हमें लगता है कि निराशा इनको हाथ में यहाँ पे लगी है। तो आज फिर दोबारा हमने प्रस्यू किया, SSP साहब से कहा और उन्होंने बुलाया, देखते हैं किस ढंग से कहा। मकसद ये है कि है तो जाँच का विषय है, तो इसलिए हम LG साहब से गुहार लगा सकते हैं, दिल्ली मिनिस्ट्री होम अफेयर से भी हम कोशिश करेंगे अपने जितने भी हमारे सेंट्रल लीडरशिप है अवगत करवाया जाए, ताकि जम्मू कश्मीर का ये बच्चा जो एक भारतीय फौजी से व्यवस्था था, बड़ा ब्रिलियंट था, कि किसी ना किसी ढंग से जो भी बन पाए बच्चा इनके परिवार के साथ, खुद परिवार के मेंबरों के साथ वो मिल बैठे। जो नौसेना कह रही है, जो नेवी कह रही है, शायद वो भी सच हो, हालांकि अभी वो कुछ नहीं कह रही है, गिर सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, परिवार यही चाहता है अगर एक्सीडेंट भी है, अगर वो गिर भी गया है तो एक स्टिक जवाब हमें दे दो,
ताकि उस माँ को, उस पिता को, उस परिवार को पता चल सके कि हमारे बच्चे के साथ हुआ क्या, किन परिस्थितियों में वो मिसिंग हुआ। एक स्टिक जवाब तो आपको देना पड़ेगा। और मैं हैरान हूँ इनकी ये वर्ड सुनकर कि वो कैप्टन साहब कहते हैं कि ज़्यादा मीडिया में उछालोगे तो बेनिफिट रोक लिए जाएंगे। ये हालांकि ऑन रिकॉर्ड तो नहीं कहा होगा उन्होंने, अगर ये ऑफ रिकॉर्ड भी कहा है साहब, एक अदालत ऊपर भी है जिसमें कोई भी प्रूफ नहीं चाहिए, कोई विटनेस नहीं चाहिए। कुछ और कहना चाहते हो साहब? बिल्कुल नहीं, जो हम वहाँ पे जब पेरेंट्स पापा मामू गए थे तो ये कहा उन्होंने? हाँ मतलब हाँ ये उन्हें कहा गया, मामू को बोला गया। जब मामू वहाँ पे गए, मामू ने क्वेश्चंस पुट किए कि क्या हुआ कि नहीं। आगे से सीओ साहब बोलते हैं कि आप एडवोकेट बन रहे हो, आप क्वेश्चंस नहीं पुट कर सकते, आप एडवोकेट बन रहे हैं। कहना था हम परिवार बन रहे हैं, बाप बन रहे हैं। वो बोलते हैं हम आप कोई क्वेश्चन पुट नहीं कर सकते, जो पूछेंगे पापा पूछेंगे। पर पापा की सिचुएशन ही नहीं थी वहाँ पे कुछ क्वेश्चन करने वाली, इसीलिए तो हमने साथ में चाचू को भेजा था, मामू को भेजा था। और किस लिए भेजा था हमने? आगे से उन्हें बोला गया कि आप क्वेश्चन जंप कर रहे हो, आपके हम आंसर नहीं देंगे, हम आंसर देंगे पुलिस वालों को, मुंबई पुलिस को। बस एक गाँव वाला क्या ही सवाल पूछ पाएगा जिसने सारी उम्र अपने गाँव में गुजारी हो, उसके पास एक ही सवाल होगा, मेरा बेटा कहाँ है? अभी तक ये सवाल जो है ये जवाब में तब्दील नहीं हुआ। इसलिए शायद ये अब हर जगह उस जगह जा रहे हैं, यहाँ कोई उम्मीद की किरण बाकी है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।